सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एग्ज़ाम्स को अगर देखा जाए तो यहाँ से मोटा मोटा आपके पास एक महीना रह गया है, सितंबर। अब ऐसे में अगर लास्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने कोशिश नहीं की तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। हार मान के बैठ जाना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कोशिश करना कम से कम ये आपके हाथ में है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर अगर आज शुरू करें तो क्या अभी भी ख़त्म हो सकती है बुक हमारी, क्या इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। यस गाइस, सो कैसे कंप्लीट होगी, किस तरह कंप्लीट करेंगे, कितने घंटे पढ़ना होगा, वो चार स्तंभ क्या होंगे, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। हम बुक को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ना होगा ये सब कुछ समझ लीजिएगा, क्योंकि गाइस अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट टाइम पर की गई तैयारी सबसे बेस्ट तैयारी होती है। और दूसरी बात, आप कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं बच्चों। सो वो एक कोशिश क्या रहेगी उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों अगर आप लोग किरण को पढ़ रहे हैं यहाँ से, यानी कि कल से अगर आप शुरू कर रहे हैं 1 सितंबर से, तो आप इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ें। इसको चार पार्ट में डिवाइड कर लें, ग्रामर पोर्शन अलग करें, वोकेबलरी पोर्शन अलग करें, रीडिंग पोर्शन अलग करना है और फ्री के मार्क्स अलग करना है। गाइस ग्रामर में जो आपके पोर्शन रहते हैं वो आपका रहेगा कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। ये तीन पोर्शन आपके ग्रामर में रहेंगे। बात करेंगे वोकेबलरी की तो यहाँ पर भी आपके तीन पोर्शन रहने वाले हैं, साइनो एंटो एडियम्स। बात करें रीडिंग पोर्शन की तो यहाँ पर भी क्लोज टेस्ट, RC और PQRS, ये तीन पोर्शन रहने वाले हैं। फ्री के मार्क्स में आपके रहता है बच्चों वॉइस और स्पीच। अब गाइस अगर बात करें यहाँ पर पढ़ने की, कितने घंटे में पढ़ना होगा, कितना समय हमें देना होगा अपना डेली का, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, कि हम लोग इस बुक को कंप्लीट कर सकें, तो गाइस आपको समय देना होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेली के 6 आवर्स। यस गाइस 6 घंटे डेली आपको पढ़ना होगा इस बुक को बच्चों। 6 घंटे कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपका कि बहुत ज़्यादा समय हो, ये बस एक मिनिमम टाइम है बच्चों जिसको आपको देना ही होगा इंग्लिश के लिए, अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा 6 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ें, आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। यानी कि मैंने इसको चार पार्ट डिवाइड कर दिया है, 1.5 घंटा 1.5 घंटा और 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स। इस 1.5 घंटे में आपको करना है ग्रामर पोर्शन, कोई भी एक टॉपिक आप उठाएंगे यहाँ से, कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक में से कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, साथ साथ लेके चलेंगे। दूसरे 1.5 घंटे में आपको यहाँ से उठाना है एक टॉपिक कोई भी, क्लोज टेस्ट, RC या PQRS। तीसरे 1.5 घंटे में आपको यहाँ से वोकैबुलरी का टॉपिक उठाना है, साइनो एंटो या एडियम्स, और यहाँ से वॉइस और स्पीच। अब जैसे कि आपने शुरू के एक हफ्ता 10-10 दिन में बांट लो बच्चों, आप लोग बहुत आराम से तैयार हो जाएगी। 10-10 दिन तीन टॉपिक बांट लो, शुरू के 10 दिन आपको क्लोज कॉमन एरर, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स और वॉइस को, इसे 15 दिन कर लो आप। फिर अगले 10 दिन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, RC और एंटोनिम्स। अगले 10 दिन फिल इन द ब्लैंक्स, PQRS और आपके एडियम्स। और यहाँ पर अगले 15 दिन आपको करना है बच्चों स्पीच। यस 10-10 दिन अगर आप बांट के पढ़ते हैं इस तरह से तो आप पूरी बुक को कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत ईजिली। हाँ ये बात सत्य है कि आप इसे खुद से नहीं कर पाएंगे बच्चों, इतना समय नहीं है आपके पास में कि आप इसे पूरी बुक को खुद से कर सकें, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होगा कि आप इसको ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से करेंगे। आप चाहे उसमें हमारा भी कोर्स बाय कर सकते हैं या किसी और का भी। यहाँ मैंने इसमें 2 आपके लिए स्टेज बना दिए हैं कोर्स की। गैस एक तो आप इसका क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में क्या होगा बच्चों, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको जो हाफ बुक है, लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भेज दिए जाएंगे। ये फ़ायदा होगा आपको क्रैश कोर्स में। इसका फीस भी रहने वाला है सिर्फ गाइस 349 रुपीज़। अगर आप इस पूरी बुक को पढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है आप पूरी बुक कर सकते हैं, कायदे की बात तो ये है कि आपको पूरी बुक ही करनी चाहिए, लेकिन अगर आप पूरी बुक नहीं करना चाहते तो क्रैश कोर्स कर सकते हैं। अगर आप पूरी बुक कर सकते हैं तो वो आपके लिए रहेगा सिर्फ गाइस 699 रुपीज़ में। यस लेकिन
आप एक कोशिश जरूर कीजिए, अपने हाथ खड़े नहीं करने हैं, अपने आप को यहाँ से छोड़ना नहीं है, आपको एक कोशिश जरूर करनी है। ये एक महीना आपके पास में है, आप इसमें अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं कोशिश करके। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल बेकार है। यस, तो यहाँ से मैं कहूँगा कि आप क्रैश कोर्स में जुड़ें, शुरू करें करना, डेफिनेटली आप इसे बन कर जाएंगे। और फिर जब आपके पास 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक बचेंगे, वहाँ आप लगाने हैं मॉक, डेली 3 मॉक आपको लगाना है। ध्यान रखें, डेली 3 मॉक करने हैं आपको, और फिर आप लोग अपना लेवल देखेगा अंग्रेजी का, डेफिनेटली इंक्रीज हो चुका होगा। यस गाइस, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और आज से ही लग जाएं इस पर तैयारी पर अपनी, और इस बार सिलेक्शन लेकर रहें। यस गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।